भिंड स्थित अपने निज निवास पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए भिंड के जिला प्रशासन सहित प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व सहित कई विभागों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हर विभाग में लूट मची है। भिंड में जिला प्रशासन में इतनी लूट मची है कि डाकुओं ने इतना भी नहीं लूटा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसको लेकर एक दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लेकर कार्रवाई के लिए मांग भी कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भिंड में जंगी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, शहर अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। भिंड जिले में पिछले 2 वर्षों में मनरेगा के तहत करीब 100 करोड़ का आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन के तहत अन्य सभी कार्यों में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला कलेक्टर सतीश कुमार एस की देख रेख में संरचना हुआ है। सीओ जिला पंचायत कलेक्ट का एजेंट बनकर जिले के सभी विभागों से वसूली करता है। शिकायतें प्रमाण सहित देने के बाद भी कलेक्टर का कार्रवाई न करना स्पष्ट होता है कि कलेक्टर का संरक्षण है और भिंड जिले को लुटवा रहा है। पिछले 50 वर्षों में भी डकैतों ने भिंड जिले को नहीं लूटा होगा जितना सतीश कुमार एस कलेक्टर ने जिला पंचायत सीओ, एसडीएम, महिला बाल विकास, आजीविका मिशन, अन्य विभागों से वसूली कर डाली है। किसानों के साथ भी बहुत में ओलावृष्टि की, उनको भुगतान न करके 10 करोड़ का घोटाला राजस्व अधिकारियों ने मिलवाट के किया। अभी तक इन पर कोई कार्रवाई न होने से कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि निकट भविष्य में कलेक्टर के कार्यालय का कलेक्टर का घेराव करेंगे और इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला, जो वंचित है, अधिकारों से वंचित किया गया है, तो मुख्यमंत्री के निवास पर भी धरना देंगे। अकेला मनरेगा ही नहीं, आवासों में भी भारी जिनको पात्र नहीं थे, अपात्र भटक रहे हैं और अपात्रों को एक एक विकास खंड में 300-400 लोगों को जांच होने के बाद अपात्र के बाद भी उनको भुगतान किया गया है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।